YouTube में काफी वीडियो देखने के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ Minecraft 1.20 के कुछ ऐसे खतरनाक सीट जिसको देखने के बाद आपका दिल गार्डन हो जाएगा। और लास्ट वाला सीट इतना खतरनाक है कि आप उस पर अपना सर्वाइवल वर्ल्ड बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सीट की ओर। ये रहा हमारा पहला सीट। इस सीड में तुम लोग स्पॉन होते हैं एक जंगल में और जंगल के सामने तुम लोग को देखने को मिल जाएगा एक काफी बड़ा विलेज। और इस विलेज में इतना सारा चेस्ट तुम्हारी सात पुश्ते बैठ के खा सकती है। इसमें इतना सारा सामान है। सो रुको, मैं तुम लोग को फटाफट से इन सारे चेस्ट की लूट दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला घर और हमारे पहले घर के लूट में हम लोग को देखने को मिलता है एक आयरन का चेस्ट प्लेट, एक आयरन की पिकेक्स और एक गोल्ड का इनगट, जो कि काफी बेहतरीन बात है। स्टार्टिंग इतना खतरनाक हुआ तो तुम लोग सोच सकता है कि इस विलेज में और कितना सारा लूट हो। हमारे सेकंड घर में हमको देखने को मिलता है दो तीन आयरन के इंगट, एक स्वॉर्ड और एक बूट। तो हमारे तीसरे घर में हम लोग को देखने को मिलता है दो आयरन के इंगट, काफी सारा ब्रेड, एक लेग जींस और दो तीन ऑब्सीडियन। ऐसे ही करते करते हमने पूरा विलेज को लूटा और हमारे पास कुछ इतना सारा सामान कलेक्ट हुआ। और हमको इस चेस्ट में देखने को मिलता है 5 डायमंड्स, 2 एमरेड, एक ट्रेजर मैप, 13 apples, 50 breads, 1 cookie, और एक गोल्डन हॉर्स आर्मर। और स्टार्टिंग के लिए तुम क्या चाहिए भाई, तुम हमको बताओ। स्टार्टिंग में इतना सारा सामान मिल गया, अब और तुमको क्या चाहिए। इतना सारा सामान देख के तुम लोग को यहाँ पे रुकना नहीं है, तुम लोग को आ जाना है कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ तुम लोग को देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा चेरी ब्लॉसम बायोम और एक शानदार सा विलेज। तुम लोग को क्या लगता है मैं तुम लोग को यहाँ पे चेरी ब्लॉसम और विलेज दिखाने के लिए ला? नहीं, तुम लोग ये टनल देख रहा ना, ये टनल, इसके अंदर तुम लोग को चले जाना तो तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक माइनक्राफ्ट प्लस एंशिएंट सिटी। और तुम लोग को तो पता ही एंशिएंट सिटी में कितना खतरनाक लूट होता है, उसको तो हमको बताने की तो जरूरत है नहीं। तो तुम लोग आराम से इसको एक्सप्लोर करना और लूट मचाना, लेकिन तुम लोग वार्डन से बच के रहना, नहीं तो वो तुम्हारे नानी याद दिला देगा, तो उससे थोड़ा बच के रहना। एंजन सिटी को पूरी अच्छी तरह से लूटने के बाद तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा एक विलेज, छोटा सा विलेज, लेकिन तुम लोग को विलेज पे ध्यान नहीं देने का, तुम लोग को आना है कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ से तुम नेदर पे जा सकते हो। साले वो नेदर नहीं, राजू खोपड़ी तोड़ साले एंड पोर्टल हो गया, एंशिएंट सिटी हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, विलेज हो गया, लेकिन हमने तो एक चीज का ध्यान ही नहीं, हम तो नेदर पे गए ही नहीं। तो फटाफट से हम नेदर पे जा, यहाँ पे हम पोर्टल बनाते हैं, पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं, फटाफट से नेदर के अंदर जाते हैं। नेदर के अंदर जाते ही तुम लोग को इन कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिल जाएगा नेदर बेसियन और इन कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिल जाएगा नेदर पोर्टल। हाँ, मुझे पता वो नेदर पोर्टल से ज्यादा हीरो मत बन। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीट की ओर और ये रहा हमारा नेक्स्ट सीट आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। इस सीट को एंटर करते ही तुम लोग पहुंच जाओगे एक विलेज में, और ये एक विलेज नहीं, ये साक्षात डायमंड का खदान है। इसके अंदर तुम लोग को टोटल 45 डायमंड्स मिलेंगे। तो तुम लोग को फर्स्ट इंप्रेशन में दिखता है एक ब्लैक स्मिथ, और इस विलेज में टोटल 2 ब्लैक स्मिथ है और दोनों की लूट डिसेंट है। विलेज को अच्छी तरह से लूटने के बाद तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ पे तुम लोग को स्ट्रेट डिग डाउन करके जाना -45 डिग्री, तो तुम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉनर, और इसके दोनों चेस्ट में तुम लोग को देखने को मिलता है एक सीढ़ी जिसमें तुम लोग घंचक पूजा के गाने सुन सकते हो। गाना सुनने के बाद तुम लोग चेस्ट के बगल में खुदाई करो तो तुम लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 4 डायमंड। अब तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे, यहाँ पे तुम लोग स्ट्रेट डिग डाउन करोगे तो तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 डायमंड, और तुम लोग को इन कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिलेगा फिर से 8 डायमंड, और तुम लोग फिर से इन कोऑर्डिनेट्स पे अगर डिग डाउन करते हो तो तुम लोग को फिर से देखने को मिलेगा 5 डायमंड। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुको, तुम अगर तुम लोग फिर से इन कोऑर्डिनेट्स पे डिग डाउन करोगे तो तुम लोग को देखने को मिलेगा 11 डायमंड। कितना हुआ तुम लोग जोड़ के रखा है, जोड़ के रखो, अभी 45 तुम लोग को गिनाना। उसके बाद तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे, यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा 3 डायमंड्स प्लस माइनक्राफ्ट। अभी भी 45 नहीं हुआ, 39 ही हुआ होगा, तो तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे, यहाँ पे तुम लोग को ला 6 डायमंड्स देखने को मिलेंगे।
सारे डायमंड्स को कलेक्ट करने के बाद तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे तुम लोग स्ट्रेट डिग डाउन करोगे तो तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि है विलेज के अंदर ही, और तुम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा माइनशाफ्ट को अच्छी तरह से लूटने के बाद तुम लोग आ जाओ कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिले एक अनदर माइनशाफ्ट, और उसके नीचे भी तुम लोग को देखने को मिलेगा एक एंशिएंट सिटी। हमने सारा चीज तो देखा दिया, लेकिन हम तो नेदर पे गए ही नहीं, तो फटाफट से हम नेदर पोर्टल बनाते हैं और नेदर को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद नेदर के अंदर जाते हैं। नेदर के अंदर जाते ही तुम लोग को कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे नेदर फोल्टर्स देखने को मिलेगा, और इन कोऑर्डिनेट्स में तुम लोग को नेदर बेस्टियन देखने को मिलेगा। बस हो गया, और कितना चाहिए एक सीड में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलता है ऐसे किसी माइनक्राफ्ट के वीडियो में। गुड बाय।